भारतीय पूर्व कप्तान को मिलने वाला है बहुत बड़ा सम्मान। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सम्मान है वो इंग्लैंड की तरफ से, और ये पहली बार भारतीय खिलाड़ी के नाम पर होने वाला है इंग्लैंड में कोई स्टेडियम। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेटर को मिलने वाला है बहुत बड़ा सम्मान। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम पर होने वाला ये स्टेडियम लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम शनिवार 23 जुलाई को बदलकर, ऐसे पहली बार हो रहा है कि इंग्लैंड में किसी स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर होने वाला है। अमेरिका के एक कैटंकी के स्टेडियम का नाम सुनील गावस्कर फील्ड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब इंग्लैंड में गावस्कर का यह सम्मान बहुत बड़ा है। इस न्यूज को सुनते ही सुनील गावस्कर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इस सम्मान को लेकर गावस्कर ने कहा, मैं काफी खुश हूँ और मैं काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ कि लीसेस्टर के मैदान पर मेरा नाम चल रहा है। गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर थे। उन्होंने लंबे समय तक ये जो रिकॉर्ड था अपने नाम करके रखा था, उनके रिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा था। गावस्कर ने भारत के लिए कुल 125 टेस्ट मैच खेले, जिन्होंने उनमें से 34 शतक लगाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस दौरान उनके बल्ले से 10,122 रन निकले थे। उनका रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा था। दोस्तों आपको क्या लगता है, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर में ज्यादा महान खिलाड़ी कौन सा है?